बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो डियर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम जो सबसे मशहूर और फेमस लफ्ज़ अल्लाह है, जो कि खत सुलस में यानी सुलस स्क्रिप्ट में है, उसे हम जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, कैन कवा की रूह से हम इसको किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सा सफ़ेद यानी वाइट पेपर लेता हूँ, ताकि वाइट पर ब्लैक कलम से लिख दिया जाए, ब्लैक इंक से तो बहुत ज़्यादा वाज आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक इस खत का कलम लेता हूँ, ठीक है, इस पर मैं लफ्ज़ अल्लाह लिखूँगा, और इस खत का कलम लेता हूँ, इससे मैं एराब इसके ऊपर लगाऊँगा या एराब बनाऊँगा, ठीक है। और मैं इसके लिए एक ब्लैक इंक लूँगा और एक रेड, क्योंकि इसका कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आता है, और इससे ब्लैक से मैं लफ्ज़ अल्लाह लिखूँगा और रेड से मैं इसके नुकात और इसके एराब लगाऊंगा, तो वो भी बहुत साफ नज़र आए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेड कलर से उन सात नुकात को ड्रा करूंगा जिससे हम अलिफ़ को फाइंड कर सकते हैं और खत सुलस में अलिफ़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सात नुकात बना लेता हूँ, ये हो गया 1, 2, 3, ये सात नुकात हो गए, ठीक है। अब हम इसके बाद अलिफ़ को ड्रा करेंगे इसके मुताबिक। यहाँ तक आने के बाद आप लोग ज़रा सा लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद बारी आती है इसका, यानी जो इसका जो हेड होता है अलिफ का, वो यहाँ पर एक नुक्ता आप इस तरह डालें, और यहाँ पर आप लोग एक कत इसी अंदाज से डालें, और एक कत इसी अंदाज से। सबसे पहले लाम को ड्रा करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं एक फ़ोटो ले देता हूँ, और ये इसलिए लेता हूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका फ़र्क वाज़ह करूँ, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि मैंने इसलिए ड्रा कर दिए कि ये पॉइंट्स तकरीबन 90 एंगल पर है, और ये अलिफ़ इसका आप लोग देख सकते हैं कि इस एंड पॉइंट से टच हुआ है अलिफ़ का जो ये हिस्सा, और ये हिस्सा यानी जो बैक वाला हिस्सा होता है वो इन राइट साइड वाले जो पॉइंट्स है उनसे टच हुआ था होता है, ठीक है। मैं लाम को ड्रा करूँगा, तो मैं उस लाम की ड्रा करने के लिए चार नुकात बनाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल 90 एंगल पर मैं ना आए, तकरीबन 120 या 130 एंगल रख दे, सीधा आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ज़रा सा राइट तरफ की आना है, और उसके बाद हम गोल यानी गोल घुमाएँगे कलम को और ऊपर की तरफ जाएंगे। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मैं ऊपर से इसी तरह आता हूँ, और यहाँ पर इसको ये इसके साथ ये मिला लेता हूँ, ठीक है। हेड होता है तो वो इसी तरह ड्रा करेंगे एक नुक्ता, और ये इसके साथ मिला लेंगे, दूसरा हिस्सा ड्रा करेंगे इसी अंदाज से आएंगे, यानी सीधा आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात रह गई ये कि वो हम लाम को यानी लाम के दरमियान कितना डिस्टेंस रखे, तो लाम के दरमियान एक नुक्ता और हाफ नुक्ता, ठीक है। यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं, और गोल आता हूँ, ठीक है, यानी राउंड सा आता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से आऊँगा, और ये इसके साथ मिला लूँगा आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो ये लाम दो नुक्तों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। इसी तरह हाफ को ड्रा करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर ये चीज़ ड्रा करें, और ये इससे एक नुक्ता कम होगा, यानी यहाँ से इस तरह सा होगा, ठीक है, कि ये इससे एक नुक्ता कम होगा, ठीक है। इससे इन दोनों लामों के दरमियान यहाँ पर एक खत होगा राउंड सा, कि इतना फ़र्क हो, तो यहाँ पर दोनों खत मुश्तमिल होंगे, और यहाँ पर एक नुक्ता, ठीक है। खत के कलम से एराब डालूँगा, ठीक है।